नवीन श्रीवास्तव हत्याकांड में कौशल किशोर जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं जो बताएंगे, क्योंकि विकास किशोर इनका बेटा है, इनके पिस्टल से हत्या की बात सामने आ रही है। कौशल किशोर जी, इस पूरे मामले पर आप प्रकाश डालें, क्या है ये? देखिए, हमें तो घटना पता भी नहीं थी। हमें जब मालूम हुआ तो सीपी साहब को फ़ोन किया, उनको बताया घटना के बारे में। डीसीपी साहब और जो फोरेंसिक टीम है वो गई वहाँ पे। जी, अब ये घटना कैसे हो गई, जो लोग भी थे उनको पुलिस लेके गई है, उसकी जांच कर रही है। जांच में जो कुछ होगा हकीकत का खुलासा होगा। आपके पुत्र विकास किशोर की पिस्टल है, इसको मानते हैं आप? वो तो पिस्टल है क्योंकि वो उसी घर में विकास किशोर रहते ही है, और चूंकि वो दिल्ली गए थे इसलिए पिस्टल वो अपने घर में रख करके गए थे। अब पिस्टल किसके हाथ में कैसे लगी ये पुलिस इसकी जांच कर रही है। विकास किशोर और मृतक नवीन श्रीवास्तव बहुत अच्छे दोस्त हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं, और पूरे परिवार से मेरी हमदर्दी है। जो भी घटना का खुलासा होगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हम विनय श्रीवास्तव के और परिवार के साथ पूरी तरीके से हैं और पूरा उनके मदद करेंगे, और घटना का खुलासा का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपके पुत्र विकास किशोर और विनय श्रीवास्तव के बीच में कोई व्यापारिक समझौता या कोई व्यावसायिक संबंध? कोई ना कोई व्यापारिक समझौता, ना कोई व्यावसायिक संबंध, ना कोई बिजनेस, ना कुछ। 2017 में उनसे जुड़े थे और लगातार पार्टी में काम करना, क्षेत्र में जाना, एक मित्रता और इस तरीके का काम है। और कल जैसा विकास किशोर ने बताया भी कि कल उनको एयरपोर्ट छोड़ने भी विनय गए थे। अब ये घटना कैसे हो गई, क्या किस तरह हो गई, जो लोग भी घर में मौजूद थे वो सब मौजूद भी रहे, जब पुलिस आई तब भी मौजूद थे, पर पुलिस उनको लेके गई है। अब ये जांच का विषय है, जांच में सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अच्छा, कहा जाता है कि ठेकेदारी को का मामला है विकास किशोर और नवीन श्रीवास्तव के बीच में, ठेकेदारी? किसी ने ये बात कही ना, ठेकेदारी विकास किशोर क्यों ठेकेदारी करेगा, ठेकेदारी से कोई लेना देना नहीं, ना विनय श्रीवास्तव का ठेकेदारी से कोई लेना देना नहीं। किस मैटर से क्या, जो लोग कहते हैं वो गलत बोलते हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पार्टी चल रही थी और पार्टी वहाँ आए दिन चलती रहती थी उस घर में। बिल्कुल गलत बात है, वो हमारा घर है, घर में पार्टी क्यों चलेगी और किस बात की पार्टी चलेगी। जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, कोई पार्टी नहीं होती वहाँ, वो घर है। चूँकि कल आकाश वहाँ नहीं, विकास नहीं था, इसलिए जो है लोग वहाँ पर रुकते हैं, इसलिए घर की सुरक्षा के लिए रुकते हैं वहाँ पर। और ये इस तरह का मामला नहीं है कि केवल कल आकर के रुक गए, ऐसा नहीं है, लोग रुकते हैं और जो दोस्त हैं मित्र हैं वो सब रुकते रहते हैं। ये घटना हो गई, इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है, पुलिस से ही इन चीज़ों का खुलासा होगा। एक सवाल है कि आप नशा मुक्ति आंदोलन चलाते हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उस घर पे ये जो मौजूद लोग थे क्या शराब वगैरह पिए हुए? अब ये मुझे तो नहीं पता है, वो पुलिस के कस्टडी में है। मैं तो नशा मुक्ति का आंदोलन चलाता हूँ, चलाता रहूँगा। नशे से जो लोगों की मौतें होती हैं उनसे नई पीढ़ी के लोगों को बचाने का आंदोलन है, इस आंदोलन में भी सब लोग शामिल हैं। और आपकी इस पूरे घटना के बाद विकास किशोर से बात हुई, अपने बेटे से बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है, बात हुई मेरे बेटे से, मेरी बात हुई। और चूँकि उनकी माँ जो हमारी पत्नी है विधायक, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी परसों छुट्टी हुई है, तो उन्हीं से मिलने गए थे। अच्छा, उनके भाई नवीन श्रीवास्तव के जो मृतक हैं, उनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि विकास किशोर ने ही पूरी साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है, और इसी वजह से उनके भाई की यानी नवीन श्रीवास्तव की हत्या हुई है। देखिए, आरोप यहाँ पर उनके परिवारजन सब हमको मिले थे, सब उनके साथ हमारे साथ थे, हमने उनकी मदद करने का काम किया। अब कोई आरोप लगाता तो मैं इस बात के लिए कुछ नहीं कह सकता, फिर भी हम जो है पूरी मदद उनकी जांच में करेंगे, जो लोग दोषी होंगे हम नवीन उनके विनय श्रीवास्तव के परिवार के साथ हैं। आप विकास किशोर को आप मानते हैं कि वो निर्दोष हैं? विकास किशोर थे ही नहीं यहाँ पे, विकास किशोर यहाँ थे नहीं, 4:50 की फ्लाइट से, नहीं 4:50 की फ्लाइट पे वो दिल्ली गए, बेचालाल उनके साथ में है, और ये घटना जब उनको पता चली तो वहाँ से अभी आएंगे। विकास किशोर का उसमें मैटर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, पिस्टल उनकी जरूर वहाँ रखी थी और पिस्टल सुरक्षित रखी थी, वो उनके हाथ में कैसे आई इसका जो है खुद
पुलिस इसकी जांच कर रही है, उसका खुलासा करने का काम करेगी।